दोस्तों नमस्कार, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आपका फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं रेकी और हिप्नोथेरेपी से सभी प्रकार के बीमारियों का व मानसिक बीमारियों का इलाज हूं और भी प्रकार दर्द का इलाज करता हूं। जैसे कोई भी प्रकार का शरीर में किसी भी कारण से दर्द है, गैस से, किसी चोट से, या आपके दांत में इन्फेक्शन है, कान में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपको सर्वाइकल का दर्द है, किसी भी समय का आपको किसी भी टाइप का दर्द है आपके शरीर में, तो आपके दर्द को मैं पूरी तरह से, मैं गारंटी से आपका दर्द ठीक करूंगा। गठिया की बीमारी है आपकी, गठी बीमारी को मैं गारंटी से ठीक करूंगा। दोस्तों आप एक बार से फ़ोन करें और कांटेक्ट करें, हम आपका बीमारी को, जब आपने 10-15 साल हो गए अंग्रेजी दवाइयाँ खाते खाते और आपको दर्द बीमारी ठीक नहीं हुई, तो हम गारंटी से, मैं फीस बाद में लेता हूँ, पहले इलाज करता हूँ, मरीज को फ़ायदा होता है तब फीस लेता हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो फीस बाद में लेता हो, पहले बीमारी ठीक करता हो, फीस बाद में लेता हो। आप कहीं भी जाते हैं पहले फीस लेते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो या ना हो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती उनको। तो दोस्तों हम पहले बीमारी का इलाज करते हैं, फिर उसके बाद में जब पेशेंट को ये दिखाई देता है साफ, हाँ हमें फ़ायदा हुआ, हमारी बीमारी कम हो गया, हमारा दर्द कम हो गया, तब हम फीस लेते हैं, फिर उसका पूरा इलाज करते हैं। दोस्तों आज मैं, एक भयंकर बीमारी है हमारे देश के अंदर, लगभग 30-40% लोगों के अंदर एक बीमारी घुस गई है, वो हमारे खान पान गलत जहरीली चीज़ें खा रहे हैं, जितना हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और बाज़ार की रेडीमेड चीज़ खा रहे हैं, मैदा की चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अनेकों प्रकार के अन्न सब्जी फलों से हम जहरीली चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही है, ये सभी जहरीली चीज़ें हमारे खून के अंदर इकट्ठी हैं, हमारी किडनी इतना सब कुछ जहर को साफ करने में सक्षम नहीं है और इसके कारण हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर ये सभी केमिकल हमारे हानिकारक तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर जमा रहते हैं। ऐसे इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, काफ़ी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं जिनको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती और ये बीमारी हमें लग जाती है। इस तरह से ये गठिया की जो बीमारी है ये भी ऐसे ही इकट्ठी होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड के जैसे जैसे ये इकट्ठा होता है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं और सारे जोड़ों के अंदर ये जमा होने लग जाते हैं। ये हमारे खान पान का बद परहेजी से, हम लापरवाही से ये बीमारी होती है, नहीं ये बीमारी होगी नहीं आपको, इसलिए खान पान में आप सावधानी रखें, इन चीज़ों को अवॉइड करें और आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, आपको गठिया आपके पास भी नहीं आएगा। दोस्तों आज मैं गठिया का संपूर्ण इलाज, जड़ से ख़त्म करने का इलाज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को मेरे को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपके गठिया को जड़ से ख़त्म करके ही मैं दम लूँगा, मेरे पास इतने तरीके हैं गठिया को जड़ से ख़त्म करने के, दुनिया में शायद किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैं दो तीन तरीके मेरे पास है। रेकी से हीलिंग करता हूँ मैं, आयुर्वेद से हीलिंग करता हूँ मैं कई तरह में के इस्तेमाल तरीके में इस्तेमाल करता हूँ। आयुर्वेद में या डॉक्टर तो केवल दवाई देगा आपको, लेकिन मैं आपको दवाई भी दूंगा, देसी दवा जड़ी बूटी भी दूंगा, ऊपर से रेकी हीलिंग करूंगा जिसका चमत्कार बहुत चमत्कारी आयुर्वेदिक दवाओं से या अंग्रेजी दवाओं से काफ़ी गुणा अधिक होता है। इसका रिजल्ट जो 85% रिजल्ट मेरा, 90% रिजल्ट और किसी किसी बीमारी में 100% रिजल्ट मुझे मिलता है इस रेकी शक्ति, केवल रेकी शक्ति से, बिना किसी दवाई के, कोई जड़ी बूटी नहीं, केवल रेकी से मैं आपका रेकी करूंगा और आपकी बीमारी को गारंटी से मैं ख़त्म करूंगा। उसमें समय हर बीमारी का अलग अलग होता है, कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, जिनको पुराना गठिया है उनको शायद महीना लग सकता है लेकिन उनकी बीमारी ये ठीक हो सकती है। आज मैं गठिया का एक आपके पास ये रामबाण औषधि, दुनिया की सबसे बड़ी जो दवा है ये हार श्रृंगार नाम है इसका, पारिजात इसको बोलते हैं,
ये इसकी पहचान आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहचान है। अगर आपको गठिया है, आपको इसके आपको दवाई इसकी पत्ते चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नीचे दिए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये गठिया के दवाई जो रामबाण अकेली एक दवाई ऐसी है, ये प्रकृति ने हमें इतनी ज़बरदस्त चमत्कारी आयुर्वेदिक दवाई दे रखी है। पेड़ एक ये पौधा है, इसका नाम हार श्रृंगार है। इसके पत्ते केवल अकेला ये पौधा ही आपकी गठिया को बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। लेकिन मैं आज इसके साथ साथ और भी मैं 10 दवाइयां आपको एक साथ बताऊंगा, 10 दवाइयों को इस्तेमाल एक साथ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका गठिया को बिल्कुल जड़ से ये ख़त्म करके ही छोड़ेंगी, आपका गठिया का बिल्कुल जड़ से बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करके दम लेंगी। तो दोस्तों इसके पत्ते, ये पत्ते होते हैं, इसके 4 पत्ते आपको ले लें और इसके पत्ते ले करके मैं कुछ औषधियाँ भी और अगले भी आगे मैं बताने वाला हूँ। इसके आप 4 पत्तों ले लें, इसकी चटनी बनाएं, मिक्सी में सिलवट्टे पे कैसे भी इस 4 पत्तों की आपको चटनी बनानी है। इसके बाद में मैं और दवाइयाँ भी बता रहा हूँ, और दवाइयों को इसके साथ आपको मिक्सी में या सिलवट्टे पे कैसे भी आपको इसका हमें जूस निकालना है, इसको मिक्सी पे या कैसे भी हमें इसको पीस लेना है, इसकी चटनी बना लेनी है। और इससे आगे का मैं विवरण में और अगली दवाई का मैं बताने जा रहा हूँ, अगली दवाई इसमें हम क्या ऐड करेंगे जिससे आपकी, मैं गठिया की गारंटी लेता हूँ, आपका गठिया को बिल्कुल मैं जड़ से ख़त्म करके ही रहूँगा और आप मुझसे संपर्क करें। तो अब चलते हैं एक अगली दवाई के पास, उस दवाई का हम बताते हैं। दोस्तों अब आ गए हम दूसरी औषधि के पास, एक बहुत चमत्कारी जड़ी बूटी है, देखने में आप इसको खरपतवार समझेंगे लेकिन लोगों को इस औषधि के बारे में पता नहीं, इस जड़ी बूटी के बारे में पता नहीं है। ये बहुत चमत्कारी एक औषधि है, आपके किडनी, लेवर, आपके पेट के रोगों की, गठिया के रोग की एक दूसरी चमत्कारी दवाई औषधि के पास मैं आपको मैं बैठा रखा है मैंने, और ये मैंने उगाया हुआ है। आप ये देख रहे हैं, ये सारा प्लाट ये मैंने इसी औषधियों के, मैंने सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ इस मैंने पार्क में लगा रही हुई हैं। ये सब मैं इनको बहुत साल से मैं इनको पाल पोस करके मैं इनको बढ़ाता जा रहा हूँ। और किसी भाई को अगर किन्हीं औषधियों की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे कंटेक्ट करें, मैं आपको ताज़ा हरा औषधियाँ बिल्कुल ताज़ा 2 या 3 दिन में आपके घर पहुंच सकती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये है आज की नई औषधि पुनर्नवा। दोस्तों आप इसको उल्टा करके देखेंगे, देखो इसका कलर आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ आपको सब पत्तों का रंग देखो पीछे सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये पत्तों का रंग देखो आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, आप इन पत्तों को देखें पीछे से सफ़ेद दिखाई दे रहा है, आप ये देखेंगे ये देखो ये सब पत्ते सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से ये मेरे बगल में देखो ये सब पत्ते इसके सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, देखो ये देखो मेरे बगल में सब पत्ते ये सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ये क्या है, ये सब पुनर्नवा आप देख रहे हैं, ये देखो ये सभी पत्ते मेरे पास जो हैं ये पुनर्नवा है। और ये पुनर्नवा एक चमत्कारी एक औषधि है, लेकिन इसको देहात में लोग साटी समझते हैं, इसका देसी में साटी बोलते हैं, लेकिन वो साटी नहीं है। उस साटी का पौधा में मैं दिखाता हूँ, ये पौधा है जो जो खरपतवार है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ये पौधा है, ये है साटी, ये है खरपतवार, ये आप देखो इसको अच्छी तरह से, और इसके पत्ते में पौधे में इसका जड़ी, ये जड़ी बूटी का चमत्कार, इसको भी मैं मोदा करके दिखाता हूँ और इसका भी मोदा करके दिखा रहा हूँ, आप दोनों को देखें इसको किस में कितना अंतर है, ये ओरिजिनल जड़ी बूटी है और ये खरपतवार नकली जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी क्या ये खरपतवार है, जड़ी बूटी ये है असली, इसकी पहचान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो होती है नकली, ये कुछ फुट की होती है, 1-2 फुट 2-3 फुट हद तक इतना साइज होता है,
लेकिन ये 6-6, 7-7 फुट, 8-8, 10-10 फुट लंबी चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां आपके खेत में खरपतवार का नाशक दवाई छिड़की हुई है, आपके खेत में रासायनिक खाद डला हुआ है, उस खेत के अंदर ये पैदा नहीं होगी। ये इतनी सेंसिटिव है, इसके प्रति, रासायनिक खातों के प्रति, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के प्रति ये बहुत एक सहनशील जड़ी बूटी है। ऐसी जगह में ये पैदा नहीं हो सकती। इसको केवल स्वस्थ ज़मीन चाहिए, जैसे बाढ़ है जहाँ खाद नहीं डलता, स्प्रे नहीं होता, ये जंगली जगह होती हैं, जंगल होता है, वहीं ये औषधि आपको मिलेगी। आपके खेतों के अंदर ये औषधि मिलना बहुत असंभव है। ये जिंदा रह सकती, रासायनिक वगैरह पेस्टिसाइड ये मर्जात खत्म हो जाती है। इसलिए मैं इन्हें पहचान भी है आपको। इसके लाल कलर के फूल हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लाल कलर के में फूल होते हैं। ये मोदा हैं तो सब कलर ऊपर दिखाई, बिल ग्रीन कलर, हरा कलर आप दिखाई देगा। तो दो गठिया, दूसरे नंबर दवा है करनवा। पुनवा का मतलब होता है पुनः नया करने वाला। ये आपकी किडनी को पुनः नया कर देती है। आपकी किडनी कितनी भी खराब हो, अगर किडनी में कोई आप दोष है तो किडनी में कोई बीमारी है, तो पुनर्ना आपकी किडनी को पूरी तरह ये करने में सक्षम है। पूरा इसके अंदर औषधीय गुण है, आपकी किडनी को जिंदा करने का, नया बनाना। दोस्तों, ये हम गठिया की दूसरी दवाई। गठिया क्या होता है, हमारा किडनी कम काम करती, इससे फिल्टर नहीं होता, तो आप किडनी को ये बहुत तेजी से काम करवाएगी, फिल्टर करवाएगी और आपके शरीर के खून को साफ करना शुरू कर देगी। आपके गुर्दे जिनको किडनी बोलते हैं, उनको ये पूरी तरह से एक्टिवेट की आपकी किडनी को, और आपका खून साफ हो जाएगा। आपके शरीर से यूरिक एसिड, जितने भी गंदे पदार्थ हैं, वो सारे पेशाब मूत्र के द्वारा साफ से बाहर निकल जाएंगे। आपकी सूजन कम हो जाएगी। आपके किसी भाई को पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरों पे सूजन आ जाती है, वो किडनी में खराबी आने के इसके कारण तो और भी हैं, लेकिन किडनी में खराबी आने से भी ही सूजन आता है, पैरों में, हाथों में। वो सूजन आपका एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, करना क्या है, इसके 10 से 15 पत्ते इसके, ये इसको ज़्यादा, ये तो एक 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 सब्जी है, ये औषधि नहीं को मान लो, सब्जी बन के एक स्वस्थ भी खा सकते, कोई भी खा सकता। इसको जैसे हम पालक तोड़ते हैं, इसे इसको तोड़ें ऐसे आप कच्चा भी चबा सकते हैं, ऐसे स्वयं पालक का सा इसमें टेस्ट होता है, ये कड़वी नहीं होती है। आप इसको कच्चा चबाएं, 15-20 पत्ते डेली कच्चा चबा जाएं, और इसको अगर स्वस्थ आदमी हैं तो इसके पत्ते तोड़ें और इनके पत्तों की आप पकौड़ी बनाकर, जो स्वस्थ है उसके लिए बोल रहा हूँ, गठिया वाला पकौड़ी, बेसन नहीं खाना है, क्योंकि गठिया में बेसन से, चने से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए गठिया में बेसन की पकौड़ी गठिया वाला ना खाए। वो इसकी हरी सब्जी बना करके इसको भुज्जी बना लें, कैसे भी इसकी सब्जी के रूप में इसको खा सकते हैं, उसका फ़ायदा ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये मैंने बताया आज दूसरी औषधि के बारे में, पुनर्नवा। अब चलते हैं दोस्तों एक तीसरी औषधि के पास, अब चलते हैं तीसरी औषधि के पास। ये सभी सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, इनके गुण बता रहा हूँ, इनके प्रयोग बता रहा हूँ, इनकी पहचान बता रहा हूँ। आप भी इनको, ये लुप्त होती जा रही हैं, ये हमारी प्रकृति ने हमें देसी जड़ी बूटियाँ फ्री में दे रखी है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। और पहले हमारे बुज़ुर्ग 100-100 साल जिंदा रहते थे, वो क्यों रहते थे, वो इन्हीं औषधियों का प्रयोग करते थे। अंग्रेजी दवाएं थी नहीं, और उसके साइड इफ़ेक्ट इतने अंग्रेजी दवाइयों के हमारे शरीर पर होते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। एक कोई लंबा पेशेंट ने, किसी ने अगर 6 महीने दवाई अंग्रेजी खा लिया तो उसका एक बीमारी, एक अंग उसका जाना निश्चित है, उसका डैमेज होना निश्चित है। लेकिन प्रकृति की दवाइयों औषधियों से, प्रकृति के इस ये जड़ी बूटी से आपके शरीर पर किसी किस्म का नेगेटिव इन्फेक्शन या कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब चलते हैं
दोस्तों अब आ चुके हैं हम तीसरी औषधि के पास। ये औषधि आपको जानी पहचानी लग रही होगी, इसका नाम है गिलोय। सभी प्रकार की बीमारियों में एक नंबर की, दुनिया में एक नंबर की दवाई है गिलोय, जो हर प्रकार की बीमारी में स्वस्थ भी बिना स्वस्थ भी बीमार वाला किसी भी बीमारी वाला इस गिलोय के रस को ले सकता है। ये एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, इसके अंदर बहुत भारी गुण है, बहुत ज़बरदस्त एक प्रकृति का दिया हुआ खजाना है। दोस्तों इस गिलोय के अंदर फ्लैटलेट जो डाउन हो जाते हैं हमारे, डेंगू चिकनगुनिया या और किसी बीमारी के अंदर, दुनिया की सबसे एक नंबर की ये औषधि है जो आपकी फ्लैटलेट को दिन दुगुनी रात चौगुनी को बढ़ाने वाली एक यही एक औषधि है। इसका रस आप पिए, सुबह शाम तीन टाइम ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। 20-20 ml पानी में डालकर, ये थोड़ा कड़वी होती है, इसको 20-20 ml तीन टाइम आप पानी के साथ लेकर इसको लें, आपकी फ्लैटलेट को ये दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाएगा। आपके चिकनगुनिया, डेंगू, गठिया, आपके पेट के रोग, आपके फेफड़ों के रोग, आपके हर प्रकार के रोग को ये बिल्कुल समूल जड़ से अकेली एक दवाई ही ख़त्म कर सकती है। इसमें इतने चमत्कारी गुण हैं दोस्तों। इसको हम दो दवाइयां मैंने पहले बताया, एक हार श्रृंगार एक नंबर, दूसरा पुनर्नवा, और तीसरा अब आपके सामने है ये गिलोय। इस गिलोय का आप 2 फुट की डंडी ले लें, उसके टुकड़े कर लें, और जो मैंने आपको ये मटेरियल एक एक करके बता रहा हूँ, तो इसका मैं बता रहा था दुनिया की सबसे ज़बरदस्त ये एक टॉनिक भी है, आपके खून को बढ़ाएगा, आपके शरीर के अंदर कमजोरी को दूर करेगा, और आपकी फ्लैटलेट को बढ़ाएगा, और आपके सभी बीमारियों को ये गिलोय का रस ठीक करेगा। इसकी 2 फुट की डंडी ले लें, छोटे छोटे पीस बना लें, उसको एक इंच के टुकड़े कर लें, और जो मटेरियल मैं ये सब दवा 10 दवाइयाँ मैं बताऊंगा, एक एक दवाई के पास मैं औषधि के पास ले जाऊंगा, एक एक औषधि से आपका मैं गठिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का एक अचूक, ये अचूक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ आज। ऐसा मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। 10 जड़ी बूटियाँ, चमत्कारी जड़ी बूटियाँ आपके गठिया को, ये थाली में रखी हुई 10 औषधियाँ आपके गठिया को 100% दोस्तों बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगी। अब मैं बताता हूँ इनको लेने का सभी का तरीका। दोस्तों आप ये है भूमि आंवला, आप इसको देख रहे हैं, इसको भूमि आंवला नंबर 1, भूमि आंवला नंबर 2, ये है गोखरू, छोटा गोखरू 2, नंबर 3 ये है एलोवेरा, और नंबर 4 ये है गिलोय, नंबर 5 ये है हार श्रृंगार, ये पत्ता देख रहे हो हार श्रृंगार, और नंबर 6 ये जो आप थाली में देख रहे हो मेरे, ये सफ़ेद रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये है पुनर्नवा, आपकी किडनी को पुनः नया करने वाला पुनर्नवा, ये है पुनर्नवा। ये दोस्तों 6 औषधियाँ ये आपको मैंने दिखाई, ये 6 औषधियाँ हैं, और इन 6 औषधियों का अभी मैं तरीका बताता हूँ आपके सेवन का। सभी को इनको 6 औषधियों को 4 पत्ते आप हार श्रृंगार के ले लें, 15-20 पत्ते आप इसके पुनर्नवा के ले लें, और 1 पौधा आपको ये भूमि आंवला का इतना बड़ा 1 फुट का पौधा जड़ समेत उखाड़ लेना है, और इतना 1 पौधा एक ये आपका गोखरू, छोटा गोखरू, इन सब को, और गिलोय की 2 फुट की डंडी ले लें,
ऐसे ये गिलोय की 2 फुट की डंडी ले लें और इतना बड़ा पीस आप एलोवेरा के ले लें। इन सब को आपको इकट्ठा कर लेना है और इनको सबको इकट्ठा करके इनको मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़े डाल करके मिक्सी के अंदर डाल दें और मिक्सी के अंदर डाल करके इनकी सबकी चटनी बना लें। अब इसके अंदर और चीज़ें क्या डालनी हैं आपको, सातवीं चीज़ है ये लहसुन, इसकी 4 कलियां इसको इसका पर छिलका छील करके इसकी 4 कलियों छील करके इस मिक्सर में डालें। इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के अंदर डालें। और ये है मेथी, आप देख रहे हो ये मेथी दाना है, अच्छे तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये सब यहाँ इस मेथी दाने का अगर आपको पाउडर करके लेना है तो इसका पाउडर बना लें, नहीं तो एक दिन पहले इसको मेथी को 2 चम्मच मेथी 1 गिलास में शाम को भी कर रख दें और ढक कर रख दें। सुबह उस मेथी को ये जो हमने मटेरियल 10 चीज़ें हमने ये इकट्ठी की हैं इन सभी को मिक्सी के अंदर डाल करके इसकी पूरी तरह से बारीक पीस ले, चटनी बना दें इसकी पूरी तरह से। जब इसकी चटनी बन जाए उस बाहर निकाल और उसके अंदर आप 1/2 गिलास पानी डाल दें। पानी डाल करके सारा जो मिक्सचर है एक सूती कपड़ा ले लें और उस सारे मिक्सचर को उस सूती कपड़े में नीचे आप एक बर्तन रख लें और उस सूती कपड़े में डाल करके वो पहले एक बार मोटा मोटी उसको छलनी से छान लें। छलनी से छानने के बाद जो रस है उसका सारा निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ जो पदार्थ है चटनी में जो और गाढ़ा लिक्विड बच जाएगा उसको भी कपड़े में डाल लें, सूती कपड़े में डालकर उसको मुट्ठी से ऐसे दबा करके उसका सारा रस को निकाल लें। उसको दबा दबा के अच्छी तरह उसके पूरा रस को निकाल लें। अब वो 1/2 गिलास आपका वो रस का तैयार है, आपकी गठिया की बीमारी को 10 से 15 साल की गठिया बीमारी भी आपको है, परेशान हैं गठिया से, पूरी गठिया को आपके शरीर से बाहर निकाल के ही ये छोड़ेगा। अब इन चीज़ों का अकेला गठिया गठिया नहीं, इन चीज़ों का आपको और भी कई फायदे होंगे। आपकी किडनी को बिल्कुल साफ करेगा, किडनी को काम करवाना शुरू कर देगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किडनी काम करेगी। आपका लीवर और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करेगा, आपके पाचन तंत्र सारे आते छोटी आंत बड़ी आते सभी क्लींज हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। और आपके मूत्र के रोग, जितने भी आपके मूत्र के रोग हैं सारे मूत्र रोग आपके ठीक हो जाएंगे। मूत्र आपका अगर रुक रुक के आता है, खुल करके पेशाब नहीं आता, आपका पेशाब धड़ाम देने से पूरा साफ हो जाएगा, बड़ा प्रेशर से आपका मूत्र बाहर निकलेगा। आपके मूत्र के, किडनी के, लीवर के, पेट की आंतों के और फेफड़ों में जमा हुआ आपका सारा कफ, जिनको दमे की बीमारी है उन उस दमे की बीमारी में ये भी उनको बहुत फ़ायदा करेगा। इस तरह दोस्तों आपकी एक गठिया गठिया नहीं, आपके पेट के बहुत से रोगों को ये जो मैंने एक मंत्र 10 चीज़ों का मंत्र बनाया है, आप इस मंत्र को यूज करें और आपकी गठिया के, पेट की, लीवर की, किडनी की, आंतों की, मूत्र रोग, आपके फेफड़ों के रोग सारे आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, आपके सारी नसें ब्लॉकेज सारा आपका पूरी तरह से दूर हो जाएगा। दोस्तों इससे बढ़िया आपको गठिया का रोग दुनिया में नहीं मिलेगा। मैंने इसके 1000 पेशेंट को इस दवाई से, औषधियों से ठीक किया है, जो लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे, दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए थे और उनका टस से मस गठिया नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, दर्द ठीक नहीं हुआ, और इन दवाइयों से, इन जड़ी बूटियों से उनके गठिया को ठीक हो चुके हैं। दोस्तों
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये तरीका औषधियों का बताने का कैसा लगा। ये सभी औषधियाँ मैंने खुद सैकड़ों, ये आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ मैंने अपने फार्म पे खुद प्लाट पे मैंने लगाई हुई है और लोगों को मैं देता हूँ, पेशेंट जो भी मांगते हैं। अगर आपको हार श्रृंगार के, क्योंकि हार श्रृंगार हर जगह नहीं मिलता, हार श्रृंगार का आपको पत्ते चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये पुनर्नवा चाहिए, आपको मैं आपके एड्रेस भेज दूँगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों वीडियो को जितना शेयर किया जाए अपने सभी यार दोस्तों रिश्तेदारों के पास, सभी के पास शेयर करें, ताकि कोई और भाई का भी भला हो सके, आप भी समाज की भलाई के अंदर भागीदार बने। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।